Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me, Kiran Mir, Kira Alim Tahanja. ठीक आयो, खैर खैरियत से आयो, मज़े में आयो. कल बारिश ॾाढी ज़बरदस्त कराची में थी, मज़ो अची वियो. 7 मिंट टोटल बारिश पई आहे DHA जे इलाइक़े में, बट सुठी बारिश थी. जेको हिकिड़ी गर्मी हब्स एतिरनि ॾींहनि खां उहो टुटी वियो, पर अॼु बि ॿुधूं था त एक्सपेक्टेड आहे मे बि बारिश शाम जे आर्ज़ में ई थिए. पर दुआ हमेशा इहा ई कंदा कयो, जॾहिं बि बारिश थिए ख़ैर ख़ैरियत वारी ऐं रहमत वारी बारिश थिए. अलाह साईं खां हमेशह इहा दुआ घुरंदा कयो. उन खां अलावा अॼु मूं वटि ज़बरदस्त गेस्ट हिते मौजूदु आहिनि. फ़िलहालु कोन ॿुधाईंदमि, पहिरियां मां तव्हां सां थोरी कचहरी करण थी चाहियां पई. कचहरी इहा करण थी चाहियां पई त अॼु जेको आहे पाकिस्तान समेत सॼे मुल्क में डेफ जेके ॿोड़ा ॿार जेके थींदा आहिनि या पैदाइशी थींदा आहिनि या कंहिं वजूहात जे करे थींदा आहिनि, उहो हिकिड़ो सॼो वीक मल्हायो पियो थो वञे पाकिस्तान समेत सॼे मुल्क में, सॼी यूनिवर्स में, सॼी दुनिया में. रिचर्ड ग्री हिकिड़ो अहिड़ो इंसानु आहे जंहिं स्टार्ट वरिती सभिनि खां पहिरियां अमेरिका जे अंदरि हिकिड़े स्टेट में, जंहिं ही कमु स्टार्ट कयो त जेके ॿोड़ा ॿार आहिनि जंहिंखे असां डेफ चवंदा आहियूं इंग्लिश में, उन्हनि जे लाइ हुननि कुझु अहिड़ा एफर्ट्स कया जो उन्हनि ॿारनि खे एजुकेट बि कयनि ऐं उन्हनि खे साइन लाइन्स बि सेखारियनि, जीअं त जेके लैंग्वेजिस हूंदियूं आहिनि, जेके इशारनि सां उन्हनि ॿारनि सां ॻाल्हायो वेंदो आहे. अक्सर करे असांजे मुल्क में अलाह न करे अगरि कोई ॿारु अहिड़ो आहे त उनखे डिग्रेड कयो वेंदो आहे, उनखे प्रॉपर तरीक़े सां एजुकेट न कयो वेंदो आहे ऐं उनखे उहा ज़बान न सम्झाई वेंदी आहे, न उनखे सेखारी वेंदी आहे. सभिनीनि खां पहिरियां त उहे ॿार ऐं उन्हनि जा जेके पेरेंट्स हूंदा आहिनि, उन्हनि खे इन्हनि साइन लाइन्स जी ज़रूरत आहे, उन्हनि खे सिखण जी तमामु ज़रूरत आहे. 10 लख अहिड़ा ॿार आहिनि पाकिस्तान जे अंदरि जेके वीचारा ॿुधी न सघंदा आहिनि, जंहिंजे करे उन्हनि खे एजुकेशन हासिलु नाहे थी, न ई वरी उन्हनि जी ॿोली उन्हनि जा माइट सम्झंदा आहिनि, न ई वरी उन्हनि जी जेको आहे ॿार उन्हनि माउ पीउ खे सम्झी सघंदा आहिनि. सो हिननि हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन ठाही आहे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं हिकिड़ो ऐप बि इंट्रोड्यूस करायो आहे पाकिस्तान जे अंदरि, जेको तव्हां गूगल ऐप ऐं इन जे प्ले स्टोर जे ज़रिए डाउनलोड करे सघो था. उन में कुझु वीडियोज़ आहिनि ऐं कुझु अहिड़ी लैंग्वेजिस उन में सेखारियूं वियूं आहिनि जेके तव्हां पंहिंजे ॿार सां ईज़िली कम्युनिकेट करे सघो था. ॿार ऐं पेरेंट्स जे विच में जेको हिकिड़ो कम्युनिकेशन गैप आहे, उनखे फिल करण जे लाइ इहो तमामु ज़रूरी आहे. तव्हांजी बि उन सां एजुकेशन थींदी, ॿार जी बि उन सां एजुकेशन थींदी. जंहिंजो नालो आहे पाकिस्तान साइन लैंग्वेज. इहा हिकिड़ी ऐप आहे जेका स्पेशली पेरेंट्स लाइ चवणु चाहींदसि त तव्हां डाउनलोड कयो ऐं उहा लैंग्वेज तव्हां सिखो ऐं तव्हां पंहिंजे ॿार खे बि इशारनि इशारनि में सम्झायो त हू छा चवणु चाहे थो तव्हांखे ऐं तव्हांजो ॿारु तव्हांखे छा थो चवे. इन सां तव्हांखे इलाही हेल्प मिलंदी. त अलाह न करे कोई अहिड़ो ॿारु हुजे, पर जेकॾहिं कोई आहे त तव्हां उन सां ईज़िली कम्युनिकेट करे सघंदा. त अॼु म्यूज़िक जे हवाले सां तमामु घणी ॻाल्हि ॿोल थींदी. अॼु असां सां गॾु हिकिड़ो बैंड हिते मौजूदु आहे, थोरी देरि में ॿुधायां थी. जॾहिं म्यूज़िक जी ॻाल्हि थींदी आहे त सभिनि खां पहिरियां असांजे ज़हननि में ख़ान साहब ईंदा आहिनि ऐं मैडम नूर जहां साहिबा ईंदियूं आहिनि. त 1926 में कसूर पंजाब में मैडम जी पैदाइश थी ऐं माशाल्लाह सां तव्हांखे ख़बर आहे त फ़िल्म इंडस्ट्री ते, जंहिं टाइम ब्रिटिश इंडिया जो दौरु हुयो, उन्हनि फ़िल्म इंडस्ट्री में राज कयो ऐं हमसाए मुल्क जी जेका हिकिड़ी लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर साहिबा, उन्हनि जी स्टूडेंट बि रही चुकियूं आहिनि. उन्हनि खां कुझु इलाही सिखियो बि आहे, उन्हनि खां सिंगिंग बि उन्हनि सिखी आहे. त अॼु मैडम नूरजहां जी बर्थडे आहे. असांजी दुआऊं आहिनि त अल्लाह साईं उन्हनि खे जन्नतुल फिरदोस में आला मुक़ाम अता करे, उन्हनि जा दर्जात बुलंद करे, उन जी फैमिली खे अल्लाह सां सबर अता करे. पर मैडम नूरजहां जा जेके कुझु गाना आहिनि, कुझु लिस्ट आहे, मां तव्हां सां शेयर कंदमि. पर उन्हनि जे बारे में मां इहो ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त उन्हनि फिल्म में जेके एक्टिंग कई हुई त दिलीप कुमार साहबु, जेके यूसुफ ख़ान साहब जे नाले सां बि सुञाणा वेंदा आहिनि, त उन्हनि सां गॾु बि उन्हनि मूवीज़ में कमु कयो आहे, जंहिंमें हिकिड़ी जुगनू मूवी हुई जंहिंमें मैडम नूरजहां उन्हनि सां गॾु कमु कयो, ऐं हिकिड़ी मेला फिल्म हुई जंहिंमें दिलीप कुमार साहब सां उन्हनि गॾु कमु कयो आहे. ऐं उन खां अलावा उन्हनि खे निगार अवॉर्ड मिलिया, तमगा इम्तियाज़ मिली चुको आहे, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आहे, सितारा इम्तियाज़ उनखे अवॉर्ड्स मिलिया आहिनि. ऐं उन खां अलावा उन्हनि जा खोड़ सारा अहिड़ा गाना जेके अॼु बि असां इंजॉय कंदा आहियूं, जंहिंमें फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट जेको मुंहिंजो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग आहे, चांदनी रातें. केर न मतिलबु पसंदि कंदो हूंदो इन गाने खे. उन खां अलावा तेनू सामने बिठा के, कंदे रे नैना,
इलाही गाना आहिनि, इलाही गाना आहिनि जेके अॼु बि असां शौक़ सां ॿुधंदा आहियूं। ऐं उन खां अलावा अॼु जंहिं बैंड जी मथां असां ॻाल्हि पई कयां त उहो हिकिड़ो अहिड़ो बैंड आहे जेको मतिलबु कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे को। ऐं माशाल्लाह उन जो कैप्टन ऑफ द शिप शोभी भाई आहे। ऐं माशाल्लाह माशाल्लाह शोभी भाई जो हिकिड़ो ख़्वाबु हुयो त मुंहिंजो हुजे हिकिड़ो बैंड जंहिंखे मां इंट्रोड्यूस करायां। ऐं अलाह साईं उन्हनि जी ॿुधी अॼु माशाल्लाह सां उहो बैंड तयारु थी चुको आहे। मूंसां गॾु स्टूडियो में अॼु द अर्श बैंड मौजूदु आहे। उन्हनि जा मेन लीड सिंगर आहिनि अली रज़ा उर्फ़ गोशी ऐं अहमद अली बेस गिटारिस्ट आहिनि, काशिफ़ शहज़ाद बेस गिटारिस्ट आहिनि, जॉनसन ढोलक ते आहिनि, हैरिसन सैम्यूल बीट बॉक्स ते आहिनि, राजेश नारायण असांजा साउंड इंजीनियर जंहिंजो नालो हमेशह मां पंहिंजे शोज़ में बि खणंदी रहंदी आहियां, ऐं वन एंड ओनली शोभी भाई असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सो सभिनीनि खे भलेकार कंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हो गया, इतनी खामोशी क्यों छा गई भाई? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्लास में बैठे हैं। खैर, एनीवे अस्सलाम वालेकुम दोबारा सबको। कैसे आप सब? बब्बर शेर कैसे आप? मैं देख रहा था, मैंने कहा आप किस तरफ देखने वाली हूँ, उस तरफ या इधर? नहीं, मैं आपको देख रही थी, फिर मैंने कहा सबसे बारी बारी क्लास लेती हुई जाऊंगी, सबक याद है सबको। सबसे शुरू कर रहे हैं आप? कहाँ से शुरू कर रही हैं? कैसे आप अली, आप बताएं। मैं ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और देखे मैंने आपका नाम बब्बर शेर सही रखा है, लायन किंग आप लग रहे हैं। यार मैं एक बार देख लूंगा। सही नाम रखा है ना वैसे मैंने इनका। सूट कर रहा है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। मैं वैसे ही अच्छी लगती हूँ? हाँ, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। चले, थैंक यू। और शोभी भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम करण। वालेकुम अस्सलाम। और हमने आपको जवाब एक क्लास की तरह दिया था। हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा था आप क्लास ले भी लेती हैं, ऐसी बात है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने पूरा बैंड यहाँ इन्वाइट किया। एंडी शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखसूस में KTN का तो हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। उसमें मैडम हिना काजी जी हैं, बहुत से हमारे जो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने वर्कर्स से, अपने वो समझते ही नहीं है कि हम यहाँ काम करते हैं, अपनी फैमिली की तरह उन्होंने हमें रखा हुआ है। और आपने बात की मैडम नूरजहान की, तो वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी भी थी, क्योंकि जो 67 की वॉर है उसमें आप देखें कि मैडम के जो किरदार है, उनके नगमे, उनकी जो जज्बातियत थी, जो जज्बे थे उनके, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। मैडम एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप उससे पहले देखें, मतलब 47 के बाद देखें, तो वो वहाँ से पड़ोसी मुल्क से जो भी उन्होंने गीत गाए वो सारे हिट हैं। हाँ। आवाज़ दे कहाँ हैं, बहुत बड़े बड़े गाने उनके, हो तमन्ना और किया, वो ऐसी कंपोजिशन है कि जो आज भी जिनको गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैम के लिए तो मतलब हमारे पास अल्फाज कम हैं। और आप बताइए, टीचर हैं आज आप? नहीं नहीं, मैं टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, वी आर द पार्ट ऑफ टीम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सबको देखकर, स्पेशली सैम्यूल को और जॉनसन को, हैरिसन, सॉरी है सैम्यूल बोल दिया मैंने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों से तो हमेशा मुलाकात ये स्पेशल ट्रांसमिशंस में ही होती है, और आज आप दोनों इंटरव्यू देंगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और आप कैसे हैं? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है बस। और आप कितने टाइम से हैं शोभी भाई की टीम में? शोभी भाई की टीम में तो हमें काफ़ी टाइम हो गया। ये टीम जब जुड़ी तो शोभी भाई ने हम सबको हायर किया, फिर हम शोभी भाई से सीख भी रहे हैं काफ़ी चीज़ें। शोभी भाई बड़े भाइयों की तरह भी हैं, टीचर भी हैं हमारे, और हर तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो हम शोभी भाई के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, उस्ताद हैं हमारे भी। किरण ने ज़बरदस्त एक बात की कि ख्वाब था, तो ये वाकई में पाकिस्तान बनने का ख्वाब था, जैसा वो था ना। हाँ। कि इकबाल के ख्वाबों की ताबीर कायदे आज़म ने कर दी। हाँ। तो सोच में रहा था बैंड अली रज़ा ने बना दिया। सही। तो ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं पाकिस्तानी सोच जैसी थी कि इकबाल, हमारे जो अल्लामा इकबाल साहब थे, उन्होंने सोचा कि भाई एक मुल्क होना चाहिए पाकिस्तान, और कायदे आज़म ने उसको अमली जामा पहना दिया। रात में बैठ के यूं करके सोचते थे? सोचने के बाद पूरा उन्होंने कर दिया। तो अच्छी बात है ना ये। हम तो चाय के होटल में सोचते हैं पढ़ान क्या करेंगे। और आप कैसे हैं? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आपको कितना टाइम हुआ है शोभी भाई के साथ? एक्चुअली अगर मैं मेरे बारे में बताऊं और पूरी टीम के बारे में बताऊं, तो ऐसा है कि लाइक वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइक मोर देन 10 इयर्स, माशाल्लाह। और अली रजा और मेरा साथ तो उससे भी ज्यादा पुराना है। अच्छा, अच्छा। और शोभी भाई, अली रजा, मैं, मतलब मैं, हम तीन काम करते थे। और उसके कुछ टाइम के बाद
मेरी मुलाकात हुई जॉनसन हैरी काशिफ से, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सेपरेटली तो काम कर रहे हैं सबके साथ, बट हमें एक यूनिट होके काम करना चाहिए कि हम कुछ अलग मार्केट में म्यूजिक लेकर आए. सही. एंड वी ट्राइड इट और उसमें हमें सक्सेस भी मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान टूर और इंटरनेशनल टूर्स वगैरह भी कर रहे हैं साथ में. बिल्कुल, बिल्कुल. और अच्छी होप है इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ये बस हमारी दुआ है आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह मजीद तरक्की करें, आप लोगों का बैंड बहुत सक्सेसफुल हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अब आती हूँ आपकी तरफ और आप ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आपका टूर जो रहा पाकिस्तान टूर, ऑलमोस्ट वन मंथ आप लोग थे, तो कैसा रहा, क्या क्या किया, कैसी परफॉर्मेंसेस रहीं? टूर बहुत अच्छा. कहते हैं कि कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं वो वैसे बड़े महदूद से होते हैं, मतलब उसमें ये होता है कि लोग सिटिंग कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं और हमें सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आए कि जहाँ पर लोग अपनी सीट से उठ के हमारे साथ डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था. साथ में टूर का सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आता है कि हम जब साथ होते हैं, वक्त साथ गुजारते हैं और छोटी छोटी चीज़ें उसको हम जो ना उसमें नोक झोंक भी होती हैं, उसमें बड़े हंसी मजाक के वो भी आते हैं पहलू, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है. हम लोगों ने टूर को ऐसे इन्जॉय किया कि हम परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे थे बल्कि हम इसको पिकनिक की तरह ले रहे थे, तो ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा गुजारा हमने माशाल्लाह. नोक झोंक जो होती है वो कैसी रही? वो म्यूजिकली होती है, ऐसी नहीं कि पर्सनली हो. पर्सनली म्यूजिक को लेकर होती है अक्सर कि भाई ये चीज सही नहीं आ रही है, तुम सही नहीं कर रहे हो. ज्यादा कौन ऐसा होना चाहिए? आप बचाते थे या आप बचाते थे शोर? शोर यार, शोर हमने सब मचा. क्योंकि सबसे छोटे हमारी टीम में, थोड़ा सा इमैच्योराइट भी कर जाते तो अच्छा. हम इसे छोटे भाइयों की तरह लेके ट्रीट कर रहे होते, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये माशाल्लाह. वो ये छोटा मुंह बड़ी बात. जो सबसे मजेदार बात है ना किरण, वो ये कि बैंड ने डाइट प्लान कर लिया था वहाँ पे. ये बेहतरीन सीन था, किसी ने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, मुझे यकीन. हाँ तो इसका मतलब सब कुछ खाया माशाल्लाह. मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया, सब खाया, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी सिटी में जाएं तो आपकी सौगात होती है वहाँ की. कुछ वो सौगातें अगर आप नहीं टेस्ट करें तो मजा नहीं आता. जैसे पेशावर गए थे तो वहाँ पर बड़ा सुना था चर्सी टिक्का, टिक्का बड़ा मशहूर है, वो कोई उसका नाम ही जर्सी दिखा है भाई. तो कुछ और था उसके अंदर? नहीं, नशा नशा कोई नहीं था उसमें, वो नशा कुछ नहीं. अच्छा. असल में वो फूडीज जो होते हैं, फूड लवर जो है, वो उनके लिए रखा गया नाम के, यानी कि नशा हो जाता है आपको वो खाने के बाद, तो बड़ा मजेदार था. फिर हम वहाँ से जब लाहौर आए तो फिर वहाँ पाए बड़े मशहूर है, तो वो खाते खाते हम थोड़े सेहतमंद भी हो गए. नहीं नहीं, अच्छी बात है, एनर्जी तो चाहिए होती है ना माशाल्लाह. इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे तो एनर्जी नहीं होगी तो फिर कैसे परफॉर्म करेंगे? सही बात है, मैं तो एग्री करूंगा. तो मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ भी जाए बस अच्छा काम करें और खाते पीते रहना चाहिए. हाँ ना यार, और जिंदगी है क्या है? सही बात, खाते पीते रहो. खैर, बैंड की बात करूँ तो हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी रही कि जो टीम हमें लेकर गई थी, जिनका हमने इवेंट किया, नाम ले सकता हूँ मैं उनका? अब कहीं ऐसा लगे? अच्छा, निजी कंपनी जो थी जो हमें लेकर गई थी. उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एवर ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने अच्छे कॉन्सर्ट्स आप इतने अच्छे कॉर्पोरेट इवेंट्स करके देंगे. हमारी कंपनी ने अभी तक इस तरह के टूर्स किए ही नहीं. अच्छा, तो ये एक बड़ी हमारे लिए एप्रिसिएशन की बात थी. बहुत जबरदस्त. ये मतलब क्रेडिट किसको जाता है, शोभी भाई को जाता है या आपको जाता है? असल में तो शोभी भाई को जाता है, क्योंकि मैं उसमें सबसे पहले अली रजा एक चीज मेंशन नहीं कर रहा, शारिक भाई का बहुत थैंक यू करना चाहिए, और उसमें वकास आकिफ, ये एक टीम थी जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा उस कंपनी की तरफ से, और ये सारे जितने भी फ्रेंडशिप है ये अली रजा की है उनसे. दे आर द टीम लीडर्स. अच्छा अच्छा. और उसके साथ-साथ हमारी टीम में और भी लोग थे, टेक्निकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, जो भी लोग साथ थे. मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ कुछ नहीं कर सकती थी, ये म्यूजिशियंस थे तो कामयाब हुआ शो. लेकिन ये भी इस बात पर बिलीव करेंगे कि इनके बजाने से कुछ नहीं होता अगर साउंड अच्छा ना होता. सही बात. तो राजेश हमारे साथ थे, अनस सलीम, ये दो लड़के हैं जो वहाँ पर साउंड एक हमारा कर रहे थे सारा डिज़ाइन. उसके अलावा लाइट्स में हमारे अकरम खान थे, तो वो पूरा एक एम्बियंस होता है, लाइट्स फिर साउंड अच्छा आ रहा है, तो उसके बाद ही एक कामयाब आर्टिस्ट निकलता है बाहर. बिल्कुल सही. तो उन सबका बड़ा थैंक यू है. नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है. तहां भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सगोता, असांके लाइव कॉल करे सगोता,
शोभी भाई सा अली सा के खा भी कोई सवाल करण चाहो था गलहाइन चाहो था अस प्रोग्राम में शामिल थी सको था नंबर ताजी स्क्रीन ते अची रहो है हियर जको हम अली के रिक्वेस्ट कंदस कुछ जबरदस्त अस के बुधाइन क्या सुना रहे हैं आप अभी हम सुना रहे हैं आपको जो हमारे कहते हैं कि बैंड से कुछ सिग्नेचर ट्रैक्स होते हैं कि आप जब जाते हैं तो आपको बड़ा बिलीव होता है कि वो गाने गाओगे तो भाई हमारा एक साउंड इम्पैक्ट बनेगा सही। तो हम उनमें से कुछ ट्रैक्स आपको पहले सुनाते हैं एक बड़ा अच्छा ट्रैक गा रहे हैं हम और ये हमारे एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं असरार शाह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं बड़ा फॉलो भी करता हूँ उनको और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है पाकिस्तान की तो उनका एक गाना हम गा रहे हैं मन में बसी लोबान की खुशबू इतर बितर सब भूला जात अकीदा राख हो गई इश्क का जल गया चूला तो भी उतरी तस्बीह टूटी ढोल पे रस हुआ इश्क मेरा ताबीज बन गया दिल पे नक्श हुआ मुझ पे लग गई तोमत शोमत मैं बदनाम हुआ गाना बजाना नचना न जाना मेरा काम हुआ बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ वो मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा ऊठ का तस्मा टूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा इश्क नहीं फनकार बनाया इश्क नहीं मुझे लूटा फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ तो मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ रिश्ते नाते दूर हो गए फैन बन गए लाखों दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं इश्क ही तकिया इश्क पलंग और इश्क ही मेरा बिस्तर इश्क ही ओढ़ू इश्क ही पहनूं इश्क है मेरी चादर अकलों वाले मारे ताने ये तो दीवाना है के जाना है मैं आशिक हूँ मुझको लोगों डूब के जाना है तो मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क तकलमा याद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ इश्क का कलमा
ताला भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप तो आप हैं माशाल्लाह, क्या तारीफ करें अब आपकी। लेकिन टीम की तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत आला। और ये जरा मुझे इक्विपमेंट्स के बारे में बताएं जरा आप जॉनसन के, क्या है ये चीजें? घुंघरू टूट गई है वो वाले, किसी के टूटे हुए घुंघरू आपने इसे पिरो दिए? मैंने बांधे हैं इसको। अच्छा, मैंने बांधा है। अच्छा, ये हैंडवर्क है ये? हाँ जी, हैंडमेड है ये। और मैं घुंघरू की तरह बचता ही, बिल्कुल बचता ही रहा। घुंघरू बंच है ये, एक घुंघरू बंच वो वाला ना, जस्ट लाइक दिस। हाँ, ये किसकी है? जी जी जी, हाँ ये वही है। अच्छा, इसको तो डफली कहते हैं आई गेस। तो ये इसको डफली भी कह सकते हैं, इसको टैमरिन कहते हैं। अच्छा, और एक वो क्या था जो आप? हाँ, शेकर है। क्या क्या चीजें आ गई हैं मार्केट में, पता ही नहीं है हमें। इसी तरह दूर से बचाया जाए तो सांप आ सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं कि यहाँ पे बहुत सांप निकल आएंगे, मुश्किल हो जाएगा फिर। अच्छा, जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं ये क्या चीज है? इसको बीम बॉक्स कहते हैं। अच्छा, जो मैं नाम ले चुकी हूँ। अच्छा, तो इसको आप जिस तरह प्ले कर रहे थे तो आपको फिंगर्स में पेन नहीं होता? प्रैक्टिस हो गई तो कभी तो कुछ तो हाँ बिल्कुल होता है। तो होगा अगर ये बड़ा हार्ड लग रहा है, ये हैरी प्ले कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये इसको अगर कंटिन्यू बजाएं तो हाथ में आपके छाले पड़ जाते होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। ये इसके लिए तो खैर तालियां बजनी चाहिए इस बात की। ये दो घंटे बजा सकता है, घंटे प्ले करता है माशाल्लाह। नहीं नहीं, मेहनती है सारे। अच्छा, दूसरा मैंने सुना है कि अक्सर जो गिटारिस्ट होते हैं, जो गिटार प्ले कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक की होती है गिटार प्ले करने के लिए, या फिर उनके नेल्स बड़े होते हैं। वो बेसिकली प्लेक्टम कहलाता है, वो लीड गिटारिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बेस है। अच्छा, तो इसमें भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें फिंगर का साउंड एक अलग आता है। मैनुअल साउंड जो है फिंगर से, वो बहुत अच्छा आता है। तो बेस का काम ये होता है, जैसे इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसी तरह बैंड में बैकबोन होता है बेस। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि शोभी भाई से बहुत सारी चीज़ें सीख लूँ और इनके साथ मर्ज होकर बजाऊँ। तो कोशिश है अभी मेरी, मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बहुत प्रोफेशनली बजा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि ज़िंदगी लग जाती है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सीख लिया है या आज हम कंप्लीट हो गए, तो ऐसा नहीं है, कोशिश जारी रहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये तो समंदर है जी, इसके अंदर जितना अंदर जाएंगे उतना आपको सीखने को ही मिलेगा। ये नहीं है कि हाँ ऐसे हैं, मगर बेस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेबी को भी सिर्फ बेस ही पसंद है जनाब। बेबी को भी बेस पसंद है, ये आपने बात सही कही। अच्छा, आप सबके लिए एक गाना मैं गा दूं जरा, चेहरा तो दिखा दो। नहीं नहीं, मैं गाऊंगी नहीं, मतलब आप सारे चश्मे उतार दें, मैं देखना चाहती हूँ सबको एक दफा, हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं आप लोगों को। आप भी उतार दे, मैं भी उतार रही हूँ, मैंने भी उतार दिया। देखिए जो डायरेक्टर है एंडी शर्मा, उनसे बात चली जाएगी कि ये आर्टिस्ट सोता हुआ क्यों आया। एक दफा व्यूवर्स को अपना चेहरा दिखा दे, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। चले जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स। वक्त है ब्रेक जो कारण है, मुझे जल्दी वापस आ जाओ। सो स्टे विद अस। के भलिकार के अंदाज़ी रंगन भरी शाम में तहाँ भी असर प्रोग्राम में शामिल थी सको था, असंगे कॉल करे सको था। अच्छा, कॉल की बात तो यहाँ हो गई, अब हम आपसे बातें करते हैं। अब ये बताइए कि ये जो टूर आपका जैसे डिसाइड हुआ, तो उसमें सॉन्ग सिलेक्शन और म्यूजिक अरेंजमेंट्स जो थी वो किस तरह से आपने मैनेज की? टूर डिसाइड जब हुआ तो सॉन्ग सिलेक्शंस हम इस तरह करते थे कि क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान टूर करना था। हम जा रहे हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, तो अब सिंध में जब थे तो हमारा जो सिंधी कल्चर है हम वही जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे। सही। और हम कोशिश करते थे कि हम म्यूज़िक अपना
ऐसा ही रखें कि जो हमारा कल्चरल म्यूज़िक है हमारा सिंधी, तो हम वही गाते थे। फिर उसके बाद हम पंजाब आए तो पंजाब में ज़रा पंजाबी और जो सराइकी एक फील है वो हम वो गाते थे। फिर हम आ गए पेशावर, क्वेटा, हम इस तरफ आ गए तो फिर हमने पख्तून और जो ये वाले गाने होते हैं हमने वो डिसाइड करे। अच्छा, ये सब चीज़ें जो डिसाइड करते थे वो शोएब भाई करते थे। अच्छा, सॉन्ग्स कौन से होने चाहिए, ये भाई ये गा लो, ये गा लो, ऐसे हम डिसाइड करते थे। फिर जैम होती थी बैंड की, फिर एक बार फाइनल जैम मेरे साथ होती थी सही। और उसके बाद हम परफॉर्म कर दिया करते थे सही। कुछ इस तरह का है। किरण, सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि जो हम न्यूज़ सुनते हैं कि ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, वो हुआ, म्यूज़िक नहीं हो रहा है, लेकिन हमें जो सबसे एनर्जेटिक जिसे कहते हैं ऑडियंस मिली वो KPK में मिली। अच्छा। वो इतने शौकीन वो लोग वाकई में, यकीन माने आप कि वो उन्होंने अपना एक उनका डांस होता है एक कल्चरल आतन जिसे बोलते हैं वो भी उन्होंने करके हमारे साथ किया और हर चीज़ को उन्होंने एंजॉय किया कि हाँ यार ये म्यूज़िक बैंड आया हुआ है, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो KPK मज़ा आया मैं आपके साथ बहुत, ये है। अच्छा, कितने दिन में शोज होते थे, लाइक एक दिन में मतलब एक शो होता था या मतलब क्या? हाँ, किस तरह एक वो गैप थे हमें, हम इस तरह करते थे कि दो दिन, जैसे कभी दो दिन का गैप आ गया। अच्छा। फिर कर लिया। असल में डिपेंड करता था कि हमारा रूट कितना डिस्टेंस पर है, हम कितने डिस्टेंस पर हैं। अब जैसे अगर कोई रूट हमारा 15 आवर्स 16 आवर्स का है, हम इस तरह जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता था कि फिर रेस्ट आ जाता था। सही। थोड़ा रेस्ट कर लिया, ब्रेक भी, क्योंकि ब्रेक नहीं देंगे तो फिर मज़ा कहाँ आता, वो टूर ही ना लगता। तो ये कंपनी ने बड़ा अच्छा एक हमारे लिए डिसाइड किया था कि आप घूम भी लें साथ साथ, आप एक्सप्लोर भी करें अपने पाकिस्तान और इवेंट्स भी करें। सही, ये बात, ये अच्छा होता है, मतलब इस तरह मैनेज होना चाहिए कि नींद भी पूरी हो जाए, थकन भी ना हो और हाँ। अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए आप बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक। हम तो माशाल्लाह सोते भी, हम लोग 7-8 बजे थे सुबह, माशाल्लाह फजर के बाद 8 बज जाते थे हमें, तब हम सोते थे और नींदें खूब पूरी करते थे, फिर हम रात में उठते थे। अच्छा, सिंध में मजे की बात ये किरण, जब हम सिंध के लिए निकले यहाँ से हैदराबाद क्रॉस किया, तो वहाँ आवाम ये वो ये नहीं कह रही थी कि ये कौन सा शो है क्या, वो कह रही थी नहीं KTN की टीम आई है। अच्छा। KTN है। अरे बड़ा शुभी भाई को तो कोई सैकड़ों हजारों लोगों ने भाई एक मेडिकल पे गए, ये किस्सा बड़ा मशहूर है, एक मेडिकल पे गए तो शुभी भाई कर रहे थे शनाख्ती कार्ड की तरह काम, वहाँ पर KTN का शनाख्ती कार्ड था, KTN का कार्ड नहीं था, वो जहाँ जाए इनका चेहरा वो देखे और वो यार आप तो वो क्या कहते हैं सिंधी में जो मेहमान आए हाँ। और वो शोभी भाई के लिए तो भाई चीज़ें भी फ्री, खाने भी फ्री, चाय भी फ्री, मज़े आ रहे थे। हमारे काफ़ी जो है ना वो हमारे इस कार्ड से माशाल्लाह हमारे काफ़ी चालान भी बचे गाड़ी के टूल्स और चालान ये नहीं नहीं बादशाह चैनल है यार हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सैटेलाइट सिंधी चैनल है तो जाहिर है माशाल्लाह से तो चले क्या हमें पता चला गया मतलब अहमियत पता चली हमें कि हम चैनल पर बैठते हैं तो है क्या तो भाई शोभी भाई ने तो माशाल्लाह बातों से काम निकाल रहे सुना कुछ नहीं कह रहे इतना सुना चुका हूँ कि तो अब क्या सुनाऊँ और नहीं कुछ होना भी चाहिए। चले हम साथ साथ हम कुछ थोड़ा सा ट्रिब्यूट भी करते हैं मैडम नूरजहां जी को, उनकी बर्थडे है तो हम उनको ट्रिब्यूट भी कर लेते हैं। और मेरी मेरी क्या औकात या बिसात जो मैं उन्हें गाऊँ, हम तो उनको सुन के सीखते ही हैं तो जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं उनको ट्रिब्यूट करता हूँ अपने पास से। ना मिला कहीं
सांस लो उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें चांदनी रातें चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें थोड़ा सा जॉन से सुनते ही हैं मजा आएगा जॉन बजाएंगे हमसे आस पियाना आए रे तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली रातों ने मेरी नींद लूट ली दिल के चैन चुराए आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें हो चांदनी रातें चांदनी रातें ओ चांदनी रातें ये कुछ हमने डेडिकेट कर दिया मैडम को हम उनकी तरह गा तो नहीं सकते नहीं नहीं लेकिन अच्छा कोशिश यही होनी चाहिए नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है वेरी नाइस और जॉनसन पता नहीं क्यों मैं आप दोनों के नाम में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ पता नहीं क्यों तो आप बताए अच्छा हमेशा इनको जॉनसन समझती हूँ उसको हैरी समझती हूँ ये हैरी है हाँ अब याद अब याद रहेगा मुझे मैं जॉनसन वो तो पता ही है लेकिन पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरी टीम में सबसे ज्यादा लेजी कौन है जिसने सबसे ज्यादा तंग किया हो पूरे टूर में तंग तो हैरी ने किया है अच्छा लेजी अली रजा है हमारे और सबसे पहले कौन उठता था शोभी भाई सुबह लेकिन गाड़ी में अगर आप 24 घंटे भी सफर करेंगे तो ये सोएंगे अच्छी बात पता है काशिप म्यूजिक के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये 5 वक्त का नमाज ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात और बड़ी बरकत रही इस बात से भी क्योंकि इसके देखा देखी हमें भी पढ़नी पड़ी नमाज हम भी पढ़ते थे साथ ये तो ये अच्छा होता है बहुत कि सब कुछ होने के साथ साथ अल्लाह रसूल दीन भी साथ देखे जिसके वसीले से मिल रहा है जब उसको याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या फायदा बरकत ही नहीं होगी बेशक बेशक तो उसको तो याद करना बनता ही है
जॉन प्रे करता रहता था, काशिफ है, म्यूजिक के अलावा ये हमारी एक्टिविटीज थी और उसके अलावा हम घूमते थे बहुत ज्यादा। तो तंग करने में हैरिसन का नाम आपको पता है पांचों छह के छह में आ रहा है। ये और ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपको कितना टाइम लगता था, मतलब जैसे लोकेशन पर पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है, सारी चीजें ये किस तरह मैनेज? वक्त से हमें 3 घंटे पहले पहुंचना होता था, तो आप लोग पहुंच जाते यार? हाँ जी, क्योंकि उसके लिए हमने खुद भी बैंड ने एक ये रखा हुआ था कि नहीं हमें पहले जाना चाहिए क्योंकि हम अपना साउंड चेक कर लें, अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें सफर में, सारी चीजें हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई इवेंट में कुछ होना नहीं चाहिए गलत। सही, एक्स्ट्रा कोई इक्विपमेंट वहाँ पे यूज किया, ये सब चीजें यही थी? यही थी। अच्छा, मैनुअल ड्रम्स थे हमारे साथ जो हैरी प्ले कर रहे थे। अभी तो ये स्टूडियो पर्पस है तो इसलिए बीट बॉक्स लाए, वरना मैनुअल ड्रम्स बहुत अच्छा बजाते हैं हैरी। वो मैंने नहीं देखा, कोशिश करते हैं, देखिएगा आगे इंशाल्लाह, फ्यूचर में इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह एज अ ड्रमर। अच्छा, दूसरा वो मोइज़ भाई भी तो होते हैं ना आपके साथ? मोइज़ भाई एक्चुअली वो पैडिस्ट हैं, तो उनका काम नहीं था। हां जी, तो बैंड में ड्रम हमें चाहिए, तो एकॉस्टिक ड्रम चाहिए, एक किट चाहिए, तो हैरिसन प्ले करता है। सही, जो अर्श हमारी जो टीम है ना उसके मेंबर्स यही हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ये नाम किसने सोचा था बेसिकली, अर्श ये नाम? ये जबरदस्त एक स्टोरी है, गोस टू शोभी भाई एंड अली रजा। अच्छा, या जरा इसके पीछे वाली स्टोरी सुनाए ना, नाम के पीछे। असल में हमारा पहले एक बैंड था असर के नाम से, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई आज से 12 साल पहले की बात, हमने एक बैंड अपना बनाया था और हमारी पहले से ही ख्वाहिश रही थी भाई की और मेरी की यार हमें कोई बैंड करें, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स को देखते थे, हम जुनून को देखते थे, हमारे टाइम के बैंड्स थे वो, हम वाइटल साइन को देखते थे, तो हमारा भी एक जज्बा पैदा होता था कि यार हम एक बैंड अपना अपना बैंड एक मीडिया बैंड अपना लॉन्च करें। तो असर के नाम से हमने एक बैंड किया था, वो बैंड कुछ ऐसा हुआ कि एक कुछ इख्तलाफ राय हो जाती हैं मेंबर्स में, ऐसा हो गया वो बैंड हमारा ख़त्म हो गया, जबकि हमने गाने भी रिलीज़ करे अपने, हमारे सॉन्ग्स रिलीज थे हमारे, शायद नंबर ऑफ 2 और 3 सॉन्ग्स हमने उस ज़माने में रिलीज़ भी किए। बड़ा मुश्किल दौर था वो, सिर्फ आपके पास 2-3 ही चैनल थे, इंडस म्यूज़िक था, ARY म्यूज़िक था, ये STN, और बड़ा मुश्किल होता था कि आप DV बना के लेके जा रहे हैं, वो दौर था आप दे रहे हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया है कि हम सोशल मीडिया पे, तो बैंड ख़त्म हो गया, फिर मैं सोलो काम करने लगा, भाई भी अपना काम करने लगे, उसके बाद फिर एक टूर हमारा प्लान हुआ दुबई का। अच्छा, दुबई में सिर्फ बैंड्स ही लॉन्च होते हैं, वहाँ पर सोलो आर्टिस्ट लॉन्च होता नहीं, बहुत कम है। तो जब हम दुबई जा रहे थे तो उस वक्त मैं इनके बैंड में नहीं था। अच्छा, मैं इनका वोकलिस्ट ही नहीं था। हैरिसन और शोभी भाई जो है वो अपना एक टीम बना के दुबई ले जा रहे थे, तो इनके साथ कोई और लड़का एक सिंगर था, ये लोग चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि बैंड होना क्या चाहिए, उन्होंने बोला यार अर्श नाम रख देते हैं बैंड का, इन्होंने अर्श नाम वही डिसाइड कर लिया और रख लिया। उसकी वजह ये थी कि उसमें मेंबर्स, अच्छा अर्श में उस वक्त तक मैं नहीं था, वो बाद में टाइटल बना था कि वो किस तरह थे, उसमें अहमद भी नहीं थे, गिटारिस्ट कोई और थे इनके साथ जो वहाँ गए थे, उनका नाम रजा था, बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं। दुबई गए, वहाँ से अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि बस मुझे जाना था, वो जो सिंगर था उसका वहाँ दिल नहीं लगा, कुछ परेशानियाँ हो गई, उसे प्रॉब्लम हो गई, वो वहाँ से 2 दिन में ही वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने मुझे बुला लिया कि यार एज अ वोकलिस्ट तुम हमारे साथ काम करोगे तो आ जाओ। सही, मैं चला गया, वहाँ गए, हमें बड़ी कामयाबी हुई, हम एक 6 मंथ्स का हमने अच्छा टूर किया अपना, और बड़े अच्छे तरीके से करके वहाँ से जब वापस आए तो फिर हमारा ये प्लान हो गया कि हम अर्श ही करेंगे। लेकिन आने के बाद फिर टीम टूट गई, जो हमारे साथ गिटारिस्ट थे वो अमेरिका चले गए, और फिर हमने एक नई टीम डिज़ाइन करी, और नई टीम फिर ये मैंने डिसाइड कर ली थी क्योंकि हम एक टूर करने गए थे दोबारा, वहाँ से फिर हमने एक नई टीम डिसाइड कर ली, अर्श इस तरह जो है वो बन गया वो मेंबर। बैंड बनाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है और यू सेकंड्स, बट सबके मिजाज अलग होते हैं, सबकी अपनी जो है ना वो एक प्रायोरिटीज होती हैं, उन सबको एक जगह रखना बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है, साथ लेके चलना, और वो टीम लीडर का ही काम है शोभी भाई का, वो लेके चलते हैं किस तरह, इसीलिए तो मैंने बोला उस्ताद जी। और इस अर्श की इंटेंशन है टू टच द एपेक्स ऑफ सक्सेस, तो अर्श का मतलब भी यही है। हाय, तो हम इस तरीके से अपनी म्यूजिक को डेडिकेट करते हैं और टोटली हम समझ लें कि 24 आवर्स में से एटलीस्ट 8 आवर्स हम एक साथ रहते हैं और म्यूजिक कर रहे होते हैं, माशाल्लाह, कि हम आगे अपने मकसद की तरफ
नहीं नहीं इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ने आप लोगों को माशाल्लाह से नाम दिया है, हुनर दिया है, इज्जत दी है और मज़ीद कामयाबी अल्लाह पाक आप लोगों को दे क्योंकि एक साथ रहेंगे और काम करेंगे तो और अभी आप भी हमें कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं लाइक हाउ यू फेल्ट लाइक वी वर प्लेइंग एंड ही वाज सिंगिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग सीरियसली Absolutely not नहीं कहूंगी Absolutely amazing कहूंगी पता चले कि लोग समझे कि मैं भी कह रही हूँ Absolutely not सही आप अभी एक कॉल ले लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम यारी मदद मौला जी मौला जी मदद किस पे गलाए अभी अंतर कोशिश कर रहे हैं गुलशन अधीन करा दिया हम बेने जी जी भाग के डालें ताज़ा ठीक आयो सब कर लगो प्यार या सी छोले थोड़ी समझा मोबाइल दे दे समझा बेने अच्छा कौन तो बोले हमारे अच्छा जी अच्छा अच्छा केबल मता कटे वे आओ जी आदी जो खैरा केटियां के सही करायो ना कौन तोले मां हाने दी वनी सही कराया भा टेंशन ही न करो बस इतना वन्या थी सीधो वनी चवान थी सही क्यों आदी जो खैरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बे कुछ और चाहिदो हां दोस्त मुजा दिसन दा दाली गुलबती सा सलाम दे दियो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू गाना बुधाया न बुधायो बुधायो लगे दिल के कमकार में ट्रांसमिशन जारी है वक्त जो है ब्रेक जो कारण है मुझे जल्द वापस आ जाए मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा अब समाना हुआ सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था प्यार हुआ था इकरार हुआ था कहानी सुनो सुपानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे
तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था 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 माशाल्लाह 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 पूरी टीम अपने लिए एक बार मेरे साथ क्लैपिंग कर ले प्लीज वेरी नाइस अमेजिंग थैंक यू सो मच क्या बोलूं मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे नजर बद से बचाए और मजीद कामयाबियां अल्लाह पाक आपको अता करे सबको अच्छा ये जो टूर था आप सबका फर्स्ट एक साथ टूर था या वैसे भी अलग अलग करते तो रहे होंगे जाहिर है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो रहा टूर्स का वो काशिप भाई और शुभी भाई का है अच्छा शुभी भाई ने तो 16 कंट्रीज घूमी है और काशिप अकेले ही घूम ली देख लिया तो साथ है ना मैनेजर है हां अच्छा किसने बोला तो इंशाल्लाह काशिप भाई असल में हमारे बैंड में अगर मैं बात करूं सीनियर म्यूजिशियंस की तो एक काशिप भाई और एक शुभी भाई सही मैं बड़ा प्रेज करता हूं उन्हें मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं इवन ये कि मैं सीखता हूं क्योंकि अहमद तो मेरा दोस्त है हमारा साथ रहा है जॉनसन ने बहुत टाइम स्टार्ट ही हमारा साथ हुआ है जॉनसन और मैंने एक साथ स्टार्ट किया अच्छा और हैरी हमारे बाद हमसे छोटा है तो हमारे बाद से स्टार्ट किया तो हम में अगर कोई सीनियर है तो वो शुभी भाई और काशिप भाई हमसे बहुत सीखते हैं और टूर्स भी डेफिनेटली इन्होंने बहुत किए काशिप भाई का पहले एक बड़ा अच्छा बैंड था डोमिनेटर के नाम से ये उसमें होते थे इन्होंने बड़े टूर्स करे बड़े आर्टिस्टों के साथ लेकिन अब इनकी भी एक ख्वाहिश थी कि यार हमारा अपना एक बैंड हो एक मीडिया बैंड करें हम बहुत बैकिंग बैंड्स कर लिए तो इस तरह अब ये पहला टूर था माशाल्लाह माशाल्लाह और ये जो टूर करके आए हैं उसके बाद आपको क्या एक कहते हैं ना कि सिंधी में मोटा मिली और क्या फीडबैक मिला आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है कि जब आप टूर करने के बाद आके आपके अपने साथ के जो साथी हों म्यूजिशियंस की बात यानी कि जो हमारी एक टीम होती है और लोग हमारे साथ होते हैं कुलीग्स होते हैं दोस्त यार हैं जो खुद भी म्यूजिशियंस हैं तो उन्होंने जो हमें फीडबैक दिया वो बहुत ज़बरदस्त था मतलब यानी कि वो हमारे लिए बहुत ही फंटेबुलस था बहुत आउटस्टैंडिंग था अमेजिंग था वो इसलिए कि जब वो अगर हमारी तारीफ कर रहे थे उसका मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं हम अच्छा म्यूज़िक प्रेजेंट कर रहे हैं अपना तो हम आए यहाँ पर तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया हमारा और बड़ा कॉन्ग्रेट्स किया हमें कि यार तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो टीम बना के रखना अपनी काम करना इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह शोभी भाई आपका तो एक ख्वाब सच्चा हो गया हाँ जी इंशाल्लाह आमीन और अल्लाह पाक इसको कैसा फील कर रहे हैं आप म्यूजिक अपना क्रिएट करने का बड़ा शुरू से शौक रहा है और आपने देखा भी है कि मैंने सबसे पहले ये कहूँगा भाई मेरे मोहसिन शाह साहब आमिर शाह साहब सबसे पहला उन्होंने मुझे मौका दिया रीजनल मीडिया के लिए कि शोभित मेरा सॉन्ग जो है वो तुम करोगे तो जब उसका म्यूज़िक खुद से क्रिएट किया बैठ के कि एक वो जॉनरा जो हमारा था नहीं जो सच्ची बात है क्योंकि हम रॉक पॉप और जैज़ इसमें फंसे हुए थे फिर उसके बाद एकदम से ये जॉनरा नहीं शोभित तूने ही करना है ये काम तू ही करेगा बस ख़त्म शाहजब की जो आदत है मोटिवेशन की नहीं तो तुम कर लोगे उसके बाद जो है ना और ज़्यादा शौक बढ़ गया कि यार क्रिएशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अपनी कोई चीज़ क्रिएट करें उसको मंजर आम पे लेके आए लोगों को सुनाएं कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है कितना टैलेंट है हमारा पैशन क्या है म्यूज़िक के लिए तो ये बैंड जो थी इसकी एक मेन वजह यही थी कि हम जो सॉन्ग अभी आपके सामने भी प्ले कर रहे हैं उसमें हमने अपनी कुछ थोड़ी थोड़ी सी देखें क्रिएटिविटी की हुई है
उसको चेंज किया हुआ है, अपने स्टाइल से किया हुआ है। अली के साथ जो हम प्ले करते हैं वो हमारा साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, उनको गानों को हमने डिफरेंट किया हुआ है। लेकिन आप तो सारा दिन मुझे सुनती ही रहती हैं, उसके बाद रोज़ाना वो कुछ डिफरेंट हाँ। है। तो ये एक शौक था कि अपनी क्रिएशन सामने आए, तो उसके लिए एक टीम बहुत ज़रूरी थी, और वो टीम जो बहुत टैलेंटेड हो, सही, जो सही प्लेयर हो। तो बड़ी मुश्किल से ये नगीने ढूंढे हैं हम सब ने मिल के। जॉनसन है, ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट है माशाल्लाह से, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम के साथ प्ले करता है ये। लेकिन ये एक अर्श की जो टीम है, ये एक बिल्कुल मुनफरिद टीम है, ये बैकिंग बैंड नहीं है। इसमें हम अपने स्टाइल से म्यूज़िक करते हैं, गाना ओरिजिनल कुछ और होता है, उसको हम खुद अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप सीक्वेंस कर लेते हैं। कहाँ देखते हैं आप अर्श को इन फ्यूचर? अर्श पे ही देखता हूँ इंशाल्लाह, 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 क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप अपनी टीम के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक वर्ड कुछ बोलें सबके लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे? म्यूज़िक ज़िंदगी है, और ये सब भी मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं ये टूर कर भी नहीं सकता था, मेरी कंडीशन आपको सब पता है। ये सब लोग ही हैं अली रज़ा, ये सब लोग ही हैं जिनकी वजह से मैं इतना लंबा टूर अभी करके आया हूँ, और मज़ीद आगे हमारे टूर्स रेडी हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट आप सबको। और एक एक वर्ड में कहना चाहूँगी कि शोभी भाई के लिए अगर आप लोग कुछ बोलें तो। रुलाएंगी क्या? शोभी भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसा कि अभी शोभी भाई ने बोला कि इनकी वजह से टूर हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा पर्सनली शोभी भाई की वजह से हम वहाँ बहुत जिंदा दिल थे, इनकी वजह से हमें बहुत हिम्मत मिली हर चीज़ में। चाय के बहुत शौकीन है माशाल्लाह से, रात 4 बजे भी हमें ले जाते थे बाहर किसी भी सिटी में, तो शोभी भाई से हमें बहुत सीखने को भी मिला। मैंने स्पेशली मैंने बहुत सीखा है म्यूज़िक के अलावा, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने टूर पर रह के शोभी भाई के साथ सीखी हैं, और मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली हैं उन चीज़ों को। मैं वहाँ टूर पर अप्लाई भी कर रहा था कि हाँ भाई शोभी भाई के अंदर ये बात है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ प्यार से बात करनी है, और कहाँ जब लड़ाई झगड़ा हो रहा तो सबको हैंडल करना है कि हाँ भाई सब अच्छे से। तो शोभी भाई से मैंने बहुत सीखा है भाई। माशाल्लाह जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही। नहीं नहीं, कुछ तो अपना आना चाहिए। अपना ये है कि बड़े भाई, छोटे भाई, भाइयों के भाई, उस्ताद, दोस्त यार, फैमिली, सब कुछ शोभी भाई है। शोभी भाई, उस्ताद, बड़े भाई, सब कुछ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। सही, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अल्लाह पाक शोभी भाई को जिंदगी दे, आमीन आमीन आमीन, सलामती दे, और हमारे सरों पे इनको सलाम, आमीन 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 जी। मैं शोभी भाई को ऐसे डिस्क्राइब करूँगा जैसे कि हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स होते हैं, फर्स्ट टीचर, ओके। बट जब इनके साथ मैं पिछले 12 से 13 साल से हूँ, तो मैंने लाइफ में इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती भी था और गुस्से वाला भी था, इनकी टीचिंग ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई विद म्यूज़िक, तो ये मेरे लिए तो मेंटोर हैं और रहेंगे हमेशा। और साथ में अली भी मेरा भाई है, और इससे भी मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ, दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड ना। तो मैं तो बहुत बाद में, बहुत जूनियर हूँ, बट ये जो मुझे टीच करते हैं, सो आई जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद का तो ऐसा था कि जब ये हमारे पास आया, और मतलब यानी कि इसे गिटार बजाने का शौक था, लेकिन इसे यही नहीं पता था कि कॉर्ड क्या होते हैं। अच्छा। तो उसने शोभी भाई से और आगे मुझे कहा, यार मैं आप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों का बजाऊंगा। तो शोभी भाई ने कहा, अच्छा बजाओ, क्या बजाओगे? अब मैंने जो याद था उन्होंने बजा दिया। उसके बाद शोभी भाई ने कहा, भाई तुम बजा जो रहे हो, तो अब तुम इसमें फलाना कॉर्ड ऐड कर लो। तो ये कह रहा, कौन सा कॉर्ड? ये क्या होता? उसके बाद इसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, माशाल्लाह आज इसका 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 जहन इतना अच्छा है कि कहीं अगर हम प्ले कर भी रहे होते हैं, कोई गाना भी चल रहा होता है, तो ये सुन के बताया था कि यार देख यहाँ पर ये कॉर्ड कह रहा है अली, हमारी तरह ऐसी दोस्ती है, तू तड़ा कहता है, देख यार अली ये यहाँ पर ये बात कह रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के कि एक वो टाइम था और एक ये टाइम है। शोभी भाई ने बहुत इसको, खैर मैं क्या इनकरेज करूंगा, मुझे इतना म्यूजिक आता नहीं, लेकिन शोभी भाई ने इसको बहुत बहुत इनकी वजह से ही फील्ड में काफी सारे आर्टिस्टों के साथ भी बजाया और काम कर रहे हैं। हम जब काम करते हैं तो एक टीम वर्क, उसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, ठीक है। अली रजा जो है ना, वो खुद बहुत जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एक सेंसिबल सिंगर भी है, खुद म्यूजिशियन भी है, ठीक है, और इसको बड़ा सेंस है कॉर्ड सेंस का, म्यूजिक का। तो हम एक दूसरे की राय से
मुत्तफिक होके फिर हम एक काम करते हैं। अगर हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम सब साथ होते हैं फिर, तो उसमें ये नहीं है कि हैरी ने कुछ बता दिया तो हम बुरा मान जाए, हम तो उस्ताद हैं भाई, ऐसा कोई चक्कर नहीं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आपके लिए एक वर्ड बोलना चाहूँगी कि शोएब भाई आपके बगैर, हाँ सबके सामने बोलना चाहती हूँ, आज मुझे इजहार करने दें, आपके बगैर रंगन भरी शाम बहुत अधूरा था। और पूरा एक महीना आपके बगैर हमने किस तरह शूट किया, मैं गवाह हूं उस बात पे, क्योंकि मेरी बात होती थी और रोज बोलती थी किरण यार तुम लेके चले गए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलती थी कि लेके चले गए, मैं हमेशा शोभी भाई को इस चीज पे अप्रिशिएट करती हूं और हमेशा मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ होती है। हमेशा ये बोला कि भाई अली मैं बड़ा मिस कर रही हूं, मेरा शो अकेला अकेला सा मैं फील करती हूं, अधूरा है वो, होते ना शोभी भाई के बगैर अधूरा है। किरण मुझे ना मेरी टीम को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, जितना मुझसे हो सके मैं कोशिश करता हूं कि मैं करूं, चाहे मैं केटीएन में हूं, चाहे मैं हर्ष बैंड में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, जहां होता हूं मुझे बस, मुझे मेरे लोगों को ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी कोई मदद करूं, सपोर्ट करूं, कुछ भी करूं, किसी तरह आगे ले जाऊं, मोटिवेट करूं, कि जो मुझसे कैप्टन ऑफ द शिप होता ही यही है ना, यही चीज, यही क्वालिटी। मुझे मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि यार मैंने किसी के लिए कुछ कर पाया, ये है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आप लोगों को मजीद कामयाबी अता करे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अली, अपना कीमती वक्त आपने दिया और आप सबने भी दिया, शुक्रिया केटीएन की टीम का, खासकर एंडी भाई, आप लोग हमें इनवाइट करते हैं यार। देखें अभी आप लोगों ने, मेरा ख्याल है अभी सिंस से आप लोग आगे भी नहीं गए थे और मेरी आपकी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था टूर करके आए जी जी, और आप मेरे शो में होंगे। आई रिमेम्बर, आई एम ऑन माय वर्ड्स। और इसके लिए बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, रंगन भरी शाम की जो पूरी टीम है स्पेशली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, एक पूरी एपिसोड दी हमें, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, यू पीपल डिजर्व्स दिस, और थैंक यू सो मच। मां ताके बुलाए चंदस अर्श द बैंड नसस गद ते मौजूद आहे, जेको एकड़ो जबरदस्त बैंड आहे, जेकने तहां भी हनन के पेंजे शहर में इनवाइट करना चाहो था, तहां भी शोज कराना चाहो था, तो कोई कांटेक्ट नंबर अगर आप देना चाहें जो आप लोगों को अप्रोच करें फॉर कॉन्सर्ट्स और इस तरह के शोज के लिए। हां जरूर जरूर, हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे शोभी भाई हैं, वो मैं अभी तक बैंड को यही मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कोई मैनेजर मैनेजर नहीं रखी शोभी भाई? अभी देखिए हमारा बैंड सिर्फ रॉक पॉप नहीं करता, हमें सिंधी सॉन्ग्स भी आते हैं, हमें पश्तून सॉन्ग्स भी आते हैं, हमें पंजाबी भी आते हैं, हम सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करते हैं, हम मुश्किल गाने भी गाते हैं, मजा भी उसी में आता है, एडवेंचर ही है। अली रजा का पेज है, आप बताएं खुद से आपका जो पेज है। हाँ मेरा पेज है अली रजा घोषी के नाम से फेसबुक पे, अली रजा घोषी के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, अली रजा घोषी के नाम से यूट्यूब पे हूँ। हमारी परफॉर्मेंस वगैरह देखना चाह रहे हैं बैंड की तो जरूर जाएं, फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे लिए भी अच्छी बात है। बिल्कुल, तव्हां पंहिंजे सिटी में जेकॾहिं हिननि खे इनवाइट करणु चाहियो था त हिननि जे पेजिस खे फॉलो कयो, ऐं शो बि भाई जो जेकॾहिं नंबर अथव त हुननि सां कॉन्टेक्ट करे सघो था। ऐं मां हिकु भेरो ॿियो हिननि जो नालो खणणु चाहींदसि, सॼी टीम जो मां शुक्रियो अदा करणु चाहींदसि, हिननि पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो। अली रज़ा आहिनि ऐं अहमद अली बेस गिटारिस्ट, काशिफ शहज़ाद बेस गिटारिस्ट, जॉनसन ढोलक ते आहिनि, हैरिसन सैम्यूल बीट बॉक्स ते आहिनि, राजेश नारायण साउंड इंजीनियर ऐं द वन एंड ओनली शोभी भाई, थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। के लिए मैं स्पेशली कहूंगा बहुत अच्छा साउंड, हाँ नो डाउट, माशाल्लाह। और बैंड को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है वो भी इंडोर, लेकिन ये कि राजेश बहुत ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, ज़बरदस्त तुमने हमें सुनाया, वोकल हर चीज़, लेकिन माशाल्लाह आपने इसको कैसे मैनेज किया ये तो बताएं, ये तो पूछना ही भूल गए। राजेश पक्के हो गए केटीएन में, लेकिन आपने राजेश को कैसे मैनेज किया? राजेश ट्रक में था ना। अच्छा राजेश भाई यू आर टू क्यूट, मजाक अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह यू आर द बेस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जाते जाते आपसे गाना जरूर सुनेंगे। हाँ हम जाते आते हम कुछ धमाल ही सुना, एक धमाल सुनाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम ट्रिब्यूट भी करेंगे फतेह अली खान साहब। जबरदस्त है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तुम्हें शो पसंद आयो होंगे, जिंदगी रही तो सुबाने मुलाकात कंदी, तेसी ताई पेंजो पेंजे प्यारन जो तमाम घणो ख्याल रखजो, मुखे आरबीएस जी पूरी टीम के दिंदा इजाजत, अल्लाह हाफिज। Thank you.
अली इमाम मनस तो मनम गुलाम अली 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 इमाम मनस तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली मेरी हल करो मुश्किल को शाह अली दम 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 एक फिर दिखे दम दम अली अली एक फिर दिखे दम दम अली अली एक फिर दिखे दम दम अली अली सखी लाल कलंदर झूले लाल कलंदर लजपाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर एक विरुद्ध खदम दम अली अली एक विरुद्ध खदम दम अली अली सखी लाल कलंदर झूले लाल कलंदर लजपाल कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर कलंदर मस्त मस्त दम